दर्शकों द पब्लिश की टीम इस समय पहुंच चुकी है बिल्कुल एलओसी के नज़दीक, और आज हमारे यहाँ पर आने का ये मोटिव था कि हम आप लोगों को ये बताना चाहते थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो फैसिलिटीज़, जो स्कीम्स यहाँ पे लागू की गई हैं, क्या उन स्कीमों का यहाँ पर लोगों को फ़ायदा पहुँच पा रहा है। आप मेरे ठीक पीछे यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक मकान है जो कि आज से 6 साल पहले गिरा था और आज तक ये मकान जो है नहीं बन सका। इस मकान की फाइल आज भी जो है दफ्तरों में उस पर धूल पड़ी हुई है, लेकिन आज तक इस गरीब का मकान नहीं बन पाया। तो चलिए इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। आपका नाम? मेरा नाम खादम हुसैन है जी। खादम जी, मुझे बताओ कि कितने साल पहले जो है ये मकान गिरा था और क्यों ये मकान आज तक नहीं बन पाया? ओ जी, मेरा मकान है बारिश नाल गिरया, बहुत तूफान बारिश हुई थी, उसने नाल मेरी जमीन भी रुड़ी और ये मकान भी टठा। और इतने एमएलए तवर साहब भी आए मौके पर इतने, तो एक मेरा बैल भी मोया। मैं उन्होंने अर्ज की, मैं इतना गरीब बंदा, मेरा मकान भी गिर गया। कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? मेरे 4-5 बच्चे हैं जी, 4-5 जी, अस 2 बच्चे निके निके, एक अच्छा। बेटी है और त्रै जी, अस एक माई और 2 जी अस। तो कैसे आप खुले आसमान में रहते हो, कितना मुश्किल होता है? बहुत मुसीबत है जी, इस शड्डे बीच वक्त पास करने आस जी। तो आपने आपने इस बारे में जो कंसर्निंग जो यहाँ का डिपार्टमेंट है, विभाग है, क्या कभी उनसे बात की कि मेरे इस मकान को बनाया जाए? मैं सरपंच साहब अगर भी अर्ज की, जो मेंबर बने इन्होंने सारे अगर जी मैं अर्ज की, और तहसीलदार पटवारी भी मौके पर आए, जिन्होंने जमीन लोगों ने रुड़ियाँ उस वे आए मौके पर, उससे आज तक मेरी हेल्प नहीं की। तो 6 साल से आप ऐसे खुले में ही रह रहे हैं? ऐसे ही रह रहे हैं जी, शायद में। तो आपकी क्या डिमांड है, क्या चाहते हो आप? मैं चाहना जी, अगर सरकार कोई मेरी मदद करी छोड़ दे, चलो मैं भी जैसा लोग बाकी रहने उस मैं भी चलो 4-13 दिन। तो आप साफ साफ सुन सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा आज तक यहाँ पर लोगों को नहीं पहुँच पाया है। ये आप मेरे ठीक पीछे अभी आपने जिस व्यक्ति से बात की, इसका नाम खादम हुसैन है और ये फरियाद कर रहा है पिछले 6 सालों से कि मेरा जो है मकान बनाया जाए, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी पक्के मकान में रहूँ। 6 साल से इसकी ज़मीन भी बह गई थी, 6 साल पहले इनके जानवर भी मर चुके थे, लेकिन आज तक ना ही तो इनका मकान बन पाया, ना ही इन्हें इनकी ज़मीन का मुआवजा मिल पाया और ना ही इनके जानवरों का। अब देखना ये होगा कि द पब्लिश की इस रिपोर्ट के बाद कितनी जल्दी जो यहाँ का विभाग है वो हरकत में आता है और इस व्यक्ति के जो है मकान को बनाएगा, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। मेरे सहयोगी राहुल वर्मा के साथ जम्मू कश्मीर के मंजाकोट के राजधानी से द पब्लिश न्यूज़ के लिए मैं अंकित के साथ।